स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 चैप्टर 16, राइट। और आपसे रिक्वेस्ट है वाइशा, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को देखते रहिए, और भी बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं उन्हें भी कंटिन्यू करिए, देखते रहिए, अपने प्रिपरेशन को एक अच्छा बूस्ट दीजिए। टेस्ट सीरीज़ को अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं अगर आप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। टाइम टेबल को रिलीजियसली अगर फॉलो करेंगे आप कंफर्टेबली यूपीएससी के प्रिपरेशन में बहुत बड़ा एज ले जाएंगे, राइट। आप ज़रूर यूपीएससी के प्रिपरेशन को पास कर पाएंगे। और फाउंडेशनल वीडियोस को आप कतई भी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ज़रूरी है उन वीडियोस को देखना। बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को एक तरह को आगे बढ़ाया इन फाउंडेशनल वीडियोस के थ्रू, उन्हें किस तरह से गाइडेंस मिला। उन फीडबैक्स को भी देखिए, आपको आइडिया लगेगा कि कितने इंपॉर्टेंट है, उन्हें कितनी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देख रहे थे, पिछला हमने देखा था प्रोजेक्ट स्नो लैपर्ड, तो उसका भी उद्देश्य क्या है उसे हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसका उद्देश्य है प्रमोट करना जो नॉलेज बेस्ड है अडेप्टिव कंजर्वेशन है उसे प्रमोट करना, उन्हें मतलब वाइल्ड में बचा के रखना, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उसमें उसे बचा के रखना। तो जो अडेप्टिव कंजर्वेशन के थ्रू उन्हें किया जाए, जिसमें लोकल कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट की जाए, उनकी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करना है, राइट। तो इस तरह से कंजर्वेशन एफर्ट्स उठाए जाएँ। गोल भी सेम वही है, यूनिक, ये हमारी नेशनल यूनिक हमारा नेचुरल हेरिटेज है, हमारी ये धरोहर है, इसे बचाना उन हाई एल्टीट्यूड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए पार्टिसिपेशन पॉलिसीज के थ्रू, एक्शंस के थ्रू उन्हें बचाना ही उद्देश्य है। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये मैंने बताया था, हिमालयन स्टेट्स हो गए हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये स्नो लेपर्ड्स जो होते हैं, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हैबिटेट्स होते हैं जहाँ पे स्नो लेपर्ड्स रहते हैं, राइट, उन्हें इन्हें बचाया जा सके। प्रोटेक्टेड एरियाज़ हो गए, कॉमन लैंड्स हो गए, उन सब एरियाज़ में इन्हें बचाया जा सके। तो यहाँ पे देखिए एस्टिमेटेड 129,000, राइट, 29,000 जो किलोमीटर एरिया है, किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इंडिया में, वो ऐसे ही नॉन फॉरेस्टेड और स्पार्स, मतलब स्पार्स फॉरेस्ट लैंड, क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट में पाए जाते हैं इसलिए स्पार्स फॉरेस्टेड हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ है, वहाँ पे वेजिटेशन कम होती है, वहाँ पे एरिया में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। और भी कुछ एलिवेशन दिए गए, मतलब ये काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में एलिवेशंस में रहते हैं, 3,000 किलोमीटर्स के ऊपर वेस्टर्न हिमालयस में, और ईस्टर्न हिमालयस में 4,000 जो मीटर्स के ऊपर रहते हैं, राइट। तो इनका जो काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन्स में रहते हैं। अभी ना इन्हीं हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में क्यों बचाने की ज़रूरत है, तो ये जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में इसलिए बचाया जा सकता है क्योंकि वहाँ पे इसी तरह के काफ़ी यूनिक जो वाइल्ड लाइफ है, वहाँ पे बहुत सारे इस तरह के यूनिक वाइल्ड लाइफ वहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए उनका कंजर्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनमें बहुत सारे और भी स्पीसीज़ आती हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्नो लेपर्ड के अलावा बेयर्स हो गए, वॉल्फ हो गए, रेड पांडा हो गए, तिब्बतन गज़ल हो गई, और ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है, तिब्बतन लारगाली, ये सब पूछता है, लद्दाख उरियल, और ये यूरियल है तो ये कौन से स्पीसीज है, किस टाइप के उसमें आता है, मैमल्स में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। गज़ल क्या होता है, और इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी बताया था, तो मैंने इनके बारे में आपको अच्छे से बताया था, ठीक है, इन जो स्पीसीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो इंडिया ने रेटिफाई किया है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, इस एग्रीमेंट को इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कंजर्वेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड स्पीसीज़। हमने ये भी डिस्कस किया अभी, इन्हें कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है, इस टेरेन में कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है, हाई एल्टीट्यूड में कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर 2003 में जो कंजर्वे कॉन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़, उसमें ये भी आता है, हम माइग्रेटरी स्पीसीज़ अगर सोचते हैं तो हम मोस्टली बर्ड्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसमें स्नो लेपर्ड भी आता है, तो ये एक्शन स्पीसीज़ मतलब अपेंडिक्स वन में आता है। फिर 2003 में साइट्स कन्वेंशन, जो मीन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज़ है, उसका दायरा बढ़ाया गया, उसका स्कोप बढ़ाया गया, और उसमें टाइगर एनफोर्समेंट टास्क फोर्स को भी इंक्लूड किया गया, और उसके साथ साथ ये जो एशियन बिग कैट स्पीसीज़ है जिसमें स्नो लेपर्ड्स आते हैं उसे भी इसमें इंक्लूड किया गया, ठीक है, टाइगर स्पीसीज़ में भी इसे इंक्लूड किया, जो टाइगर एनफोर्समेंट टास्क फोर्स है उसका दायरा बढ़ा के इसे इंक्लूड किया गया उसमें। उसके बाद जो फिर हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एक वाइटल रोल प्ले किया उनके एलिवेशन के लिए, जो कंजर्वेशन के लिए जो भी एफर्ट्स लिए जा रहे हैं इंटरनेशनली भी बढ़ चढ़कर हमारी मिनिस्ट्री ने आगे जाके अपना इसमें जिम्मेदारी निभाई है। फिर देखते हैं, हर एक स्टेट ने एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल साइट को डिक्लेयर किया गया है
जो कि क्या करेंगे इसमें पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है, सब लोग मिलजुल कर कंजर्वेशन प्रोग्राम में साइंस बेस्ड अप्रोच इस्तेमाल करेंगे और इन साइट को साइट्स में क्या है कि इन जो स्नो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे कि जो ये इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल साइट्स हैं उन्हें एक्सपैंड किया जाएगा आगे जाके। फिर हम देखते हैं एक और एक प्रोजेक्ट है जिसे लॉन्च किया गया था हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने, सिक्योर हिमालय, ठीक है। तो फिर उसे UNDP के साथ कोलैबोरेट करके इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। इसका मेन प्लान यही था, कंजर्व करना स्नो लेपर्ड्स को और उनके हैबिटेट को बचाना, जो हिमालयन इकोलॉजी है उसे भी प्रोटेक्ट करना, उसे भी इम्प्रूव करना, और वहाँ की जो माउंटेन कम्युनिटीज़ हैं इनमें आता है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम, हिमालयन स्टेट्स, ठीक है। फोकस एरिया इनका क्या रहेगा, ये जो प्रोटेक्टिव एरिया नेटवर्क है उन्हें बचाना, उन्हें स्ट्रेंथन करना, इम्प्रूव करना, और ये जो लैंडस्केप लेवल अप्रोच है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए उसे बढ़ावा देना। फिर जो इनकी पोचिंग की जाती है, उन्हें मारा जाता है, इलीगल ट्रेड किया जाता है, राइट, उसको उन सब पे कंट्रोल करना, उन्हें एक तरह से रोकना। फिर ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं उन्हें कम करना। फिर बाद में टूरिज्म में बढ़ावा देना, मैनेज उन्हें प्रॉपरली मैनेज करना, बढ़ावा भी देना लेकिन साथ ही साथ सस्टेनेबली हो सके वो भी देखना। फिर अब हम आते हैं सी टर्टल प्रोजेक्ट पर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सी टर्टल, आपको अभी कभी भी टर्टल याद आए तो आपको क्या कौन सा स्टेट याद आना चाहिए, ऑब्वियसली उड़ीसा, ठीक है। तो एक जो सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है जो वर्ल्ड के ऑलिव रिडली का, ऑलिव रिडली टर्टल्स जो पाए जाते हैं उसका एक काफ़ी बड़ा जो इम्पॉर्टेंट जो एरिया है, राइट, वो कहाँ पे जो जब सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो क्या है, माइग्रेट करके इंडियन कोस्टल वाटर्स की तरफ आती जाती है, में मोस्टली जो ईस्टर्न कोस्ट है उसके उस तरफ माइग्रेट कर आती है। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो ऑलिव रिडली टर्टल्स होते हैं उन्हें, उन्हीं मराइन टर्टल्स को और दूसरे इसी तरह के जो मराइन टर्टल्स हैं उन्हें बचा कर रखना, उन्हें जो उनके जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं उन्हें वहाँ पे अच्छी तरह से संरक्षण करना। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट भी इसमें आ जाती है, उन्होंने सी टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को UNDP के साथ स्टार्ट किया था, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में भी, देहरादून इसकी एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये एजेंसी इसे इम्प्लीमेंट करती है सी टर्टल प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे देखिए जो 10 कोस्टल स्टेट्स हैं उन पर ध्यान दिया गया, स्पेशली उड़ीसा क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है उसने एक इन्वेंटरी मैप, मतलब जहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं उस तरह की एक मैप को बनाया, ब्रीडिंग साइट्स जहाँ पे ये जो टर्टल्स हैं माइग्रेट कर आते हैं और ब्रीडिंग करते हैं, राइट, क्यों माइग्रेट करते हैं, ब्रीडिंग करने के लिए ये माइग्रेट करते हैं, उनके लिए कंडीशंस यहाँ पे फेवरेबल होती हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें अच्छी तरह से नर्चर किया जाए, उन्हें इस तरह से बनाया जाए कि वो अच्छी तरह से फैसिलिटेट कर सके, जो शोर लाइन है, राइट, जो उनके किनारे हैं उसे, उसके बाद जो माइग्रेटरी रूट जो लेते हैं, जो जिस जगह से वो माइग्रेट करते हैं, जिस रूट पे वो माइग्रेट करते हैं उसे अच्छी तरह से उसकी निगरानी करी जाए और उसे बचाने के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस निकाले जाए और ये मेक श्योर किया जाए उन गाइडलाइंस का अच्छी तरह से पालन किया जा रहा है कि नहीं, जिससे सेफ गार्ड हो सके इन टर्टल्स का, अच्छी तरह से वो बचे रहें और जो उनकी जो मृत्यु की दर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए। डेवलपमेंट और क्या, इसके साथ भी नेशनल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन किया जाए, उन्हें ऐसे इंटरनेशनल बॉडीज़ को मिलकर कोलाबरेट किया जाए जिससे कि जो सी टर्टल कंजर्वेशन को आगे जाके बढ़ा सकें हम लोग, ठीक है। तो जो गाइडलाइंस हैं उन्हें डेवलप किया जाए और टूरिज़्म में भी एक तरह से मतलब निगरानी की जाए, टूरिज़्म हो उसको इनक्रेजमेंट मिले बट सस्टेनेबली ये सब काम हो सके, राइट, इस पर भी कोऑपरेशन बढ़ाने की ज़रूरत है और यही कर रहा है ये ट्राई प्रोजेक्ट। फिर अब आगे और कुछ इसी तरह की बातें देख लेते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट जो इससे हुआ है, ठीक है, जैसे कि हमने देखा था प्रोजेक्ट टाइगर में कुछ इनोवेशंस किए गए थे, वो क्या था, जैसे सैटेलाइट टेलीमेट्री, उसी तरह के इनोवेशंस करके इनकी जो निगरानी है, माइग्रेशन है, उनके रूट को एक तरह से मॉनिटर किया जाए, उसके लिए टेलीमेट्री ये सब का इस्तेमाल किया जाए, इस तरह के इनोवेशंस का यूज़ किया जाए। तो फिर टेलीमेट्री का इस्तेमाल किया जा रहा है
और जो फिशरमैन हैं उन्हें भी सेंसिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी इस बार देखा गया जो उनके फिशिंग नेट्स होते हैं, ट्रॉलर्स होते हैं, उनमें ये जो टर्टल्स आके फंस जाते हैं और फिर उस वजह से भी वो चोक होकर वो मर जाते हैं वहाँ पे। तो इस वजह से टर्टल एक्सक्लूजन डिवाइसेस जो उन ट्रॉलर्स में वो इंस्टॉल किया जाने की बात की गई है, और जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स उन फिशरमैन को मतलब मदद करेगा। ठीक है, फिर अब आता है इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। अब हम टर्टल से आ गए प्रोजेक्ट्स क्रोकोडाइल पर, मगरमच्छ। तो इन्हें जो इनका जो इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, ये एक तरह से यहाँ पे देखिए इस वजह से क्या हुआ, ये जो प्रोजेक्ट था इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, कभी एक तरह पे एक समय पर ये जो क्रोकोडाइल थे पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार पे थे, वहाँ से लेकर अब इन्हें जाकर अच्छी तरह से रिकवर किया कर लिया गया है। अब इनका स्टेटस क्या है, थ्रेटन में आ गया है, ना कि एक्सटिंक्शन में। एक टाइम पर ये विलुप्त होने वाले थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऐसे कुछ कदम उठाए गए जिनसे कि इनकी पॉपुलेशन को बचा लिया गया, इन्हें विलुप्त होने से बचा लिया गया। तो इसमें जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत सारे क्रोकोडाइल्स एक तरह एकदम से ब्रीड होने लगे, रिप्रोड्यूस होने लगे, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो क्रोकोडाइल है इट बट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स कंजर्वेशन, और काफ़ी जो उनके जो एरियाज़ हैं जहाँ पे वो रहते हैं उन्हें अच्छी तरह से कंजर्व कर लिया गया, ये कह रहे हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, जो बच्चे कुछ जो क्रोकोडाइल्स के जो पॉपुलेशन है उन्हें बचाया जा सके, जो उनके लिए सेंचुरीज बनाए जा सके जिनमें वो अच्छी तरह से रह सके, ग्रो कर सके, ग्रो रिलीज एंड और रियर एंड रिलीज टेक्निक, ये एक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया जिनसे उनकी नेचुरल जो पॉपुलेशन है वो बनी रहे और उन्हें रीबिल्ड किया जा सके, फिर से बनाया जा सके। मोर देन यहाँ पे देखिए 7,000 क्रोकोडाइल से ज़्यादा उन्हें वहाँ पे रीस्टॉक कर लिया गया, फिर से रखा गया उनमें, और फिर 4,000 घड़ियाल, यहाँ पे उसका साइंटिफिक नेम दिया गया है, 4,000 घड़ियाल जिसमें आते हैं 1,800 मगर, ठीक है, जिनका यहाँ पे साइंटिफिक नाम फिर दिया गया, मगर क्योंकि हिंदी का वर्ड आता है इसलिए इसे कॉमन कॉमन नेम मगर दिया गया। फिर 1,500 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स भी हो गए, उन्हें भी इसमें बचाया गया। ठीक है, और टेक्निक आप याद रख सकते हैं, क्या पता कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ ले, ग्रो एंड रिलीज़ या फिर रेड एंड रिलीज टेक्निक का मतलब क्या होता है, इसे किससे रिलेटेड है, किस लिए न्यूज़ में। ठीक है, तो फिर टू प्रमोट कैप्टिव ब्रीडिंग, कैप्टिव ब्रीडिंग मैंने बताया था क्यों की जाती है, और आप आगे भी देखेंगे एक स्लाइड में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया क्या होती है कैप्टिव ब्रीडिंग, क्यों की जाती है। कैप्टिव ब्रीडिंग को प्रमोट करना, रिसर्च को कर प्रमोट करना उनके प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, उसके बाद ट्रेंड प्रोफेशनल्स को, ताकि जो जो इन्हें हैंडल कर रहे हैं वो एटलीस्ट ट्रेंड हों, अच्छी तरह से उन्हें पता हो हमें किस तरह से ये काम करना है, कंजर्वेशन का काम हमें करना है, इसे किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, थ्रू प्रोजेक्ट साइट्स एंड थ्रू सेंट्रल क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो ये जो इंस्टीट्यूट है इन्हें ट्रेन करता है और ये जो पर्सनल्स है उन्हें ट्रेन करने का काम करता है ये जो इंस्टीट्यूट है। हैदराबाद में नाम याद रहना चाहिए, उसके बाद फिर इसमें लोकल लोगों की पॉपुलेशन की भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस को दिया गया, को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया। फिर हम आते हैं प्रोजेक्ट हंगुल, हंगुल आपको पता होना चाहिए कौन सा एनिमल है और कहाँ पाया जाता है, स्पेशली इसे हम यहाँ पे कहते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, ये भी आपको पक्का पता होना चाहिए। ठीक है, कश्मीरी स्टैग बोलते हैं जिसे, मोस्टली हंगुल हंगुल है वो सेंट्रल एशियन रेड डियर होता है, राइट, उसकी उसकी एक ही सब स्पीसीज होती है। ठीक है, और ये मोस्टली हंगुल, अब जब भी आपको याद हो, जब भी आप सुने, आपको जम्मू एंड कश्मीर का नाम अपने आप फ्लैश हो जाना चाहिए, जैसे कि टर्टल्स के लिए आपके लिए आपको उड़ीसा याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो डियर्स हैं उनकी लाइफ का वो, ठीक है, तो फिर अब ये जो डियर होते हैं वो 2 से 18 इंडिविजुअल्स के बीच में मतलब ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, झुंड में रहते हैं, और काफ़ी घने घने जंगल में जंगलों के अंदर रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं जो कश्मीर वैली है उसके, ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी, नॉर्थ चंबा में भी पाए जाते हैं, सिर्फ कश्मीरी नहीं लेकिन मोस्टली कश्मीर में पाए जाते हैं। कश्मीर में जो दाचीगराम नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, ये आपको याद रहना चाहिए, ये यहाँ पे कितने एलिवेशन में, 3,000 मीटर के एलिवेशन में पाए जाते हैं, मतलब ये काफ़ी ऊँचाई में पाए जाते हैं, और ये जो इनका नंबर है इंडिया में, एक यहाँ बताया गया जो पहले कभी 5,000 हुआ करते थे 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, अब जाके ये काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, क्योंकि इनका जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, जो वहाँ के आसपास के लोकल मवेशी होते हैं वो इनके उनके वो खा जाते हैं इनका जो खाना होता है, और पोचिंग ये एक कॉमन थ्रेट है। ठीक है, फिर आगे जाते हैं, अब इनकी जो पॉपुलेशन है,
उनकी पॉपुलेशन घटकर अब 150 तक आ गई थी जब 1970 जब 20th century के स्टार्टिंग में ही जो काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे, अब जाके 150 तक ही आ गए हैं। लेकिन अब जाके जो IUCN है और WWF वर्ल्ड लाइफ जो हमारी फ़ंड है, वाइल्ड लाइफ फ़ंड है, उन्होंने मिलके एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट हंगुल, और जिससे कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स सामने आए। अब इनकी पॉपुलेशन 1980s में जाके 340 तक बढ़ चुकी थी। कैप्टिव ब्रीडिंग, ये अब ध्यान से समझ लीजिए, कैप्टिव ब्रीडिंग क्यों की जाती है, क्या की जाती, क्यों की जाती है और क्या होता है। कैप्टिव ब्रीडिंग में ऐसा किया जाता है, जो ये वाइल्ड स्पीसीज होती हैं, राइट, जो वैसे तो जंगलों में रहती हैं, उन्हें एक तरह से कैप्चर किया जाता है, बंधक बनाया जाता है और अपने रखा जाता है। फिर इन्हें अच्छी तरह से भरण पोषण किया जाता है और इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जाता है। एक कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं उसके लिए, काफ़ी सारे जो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं और इसी तरह के एक्सपर्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग में क्या होता है, जो लोग जो स्पीसीज़ वाइल्ड में सर्वाइव करने में असमर्थ हो जाती हैं एक तरह से, बहुत सारे रीजंस के वजह से, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के वजह से, पोचिंग के वजह से, ह्यूमन प्रेशर्स के वजह से, उनके सर्वाइवल के लिए ये जो लास्ट एफर्ट है वो किया जाता है, उसे कहते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, इस तरह से उन्हें बहुत स्पेशल फैसिलिटीज़ में उन्हें ब्रीड करने के लिए छोड़ दिया जाता है, मतलब रखा जाता है, ताकि उनकी पॉपुलेशन को बचाया जा सके। और जब उनकी पॉपुलेशन एक ठीक ठाक लेवल पे आ जाती है, तब उन्हें जाके वाइल्ड में छोड़ा जाता है, वरना उसे उसी तरह से प्रिजर्व किया जाता है। ये यहाँ पे देखे, लास्ट चांस टू प्रिजर्व अ स्पीसीज इन वाइल्ड। अब क्या है फिर उसके बाद, जब उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एकदम से डेंजरसली काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, तो जो कैप्टिव ब्रीडिंग से उनके जो नंबर्स हैं उन्हें हम ऊपर कर सकते हैं, उठा सकते हैं, हम उनकी जो पॉपुलेशन को बचा सकते हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग जो यंग होते हैं, मतलब जो अभी छोटे होते हैं, उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग से क्या होता है, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोड्यूस यंग कैन, तो जो ये जो यंग जो कैप्टिव ब्रीडिंग्स ब्रीडिंग के थ्रू जो पॉपुलेशन निकलती है, उन्हें आगे जाके वाइल्ड में भी छोड़ा जा सकता है, अगर मतलब अगर उनके लिए जो जो फैक्टर्स हैं वहाँ पे सूटेबल हैं, तो उन्हें वाइल्ड में छोड़ा जा सकता है। ये मैंने जैसे बताया, जब उनकी पॉपुलेशन ठीक ठाक लेवल पे आ जाती है, तो फिर उन्हें वाइल्ड में छोड़ दिया जाता है। फिर जो जो हैबिटेट होते हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के वजह से कभी कभी क्या होते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं, इस तरह के इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो जाती है कि उनका सर्वाइवल थ्रेटन्ड हो जाता है, उनमें खतरा पहुंचने लगता है। तो ये कैप्टिव पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है, ये जो सारे प्रॉब्लम्स को एक तरह से सॉल्व कर लिया जाता है, तो ये उसका इम्पोर्टेंस है। और यही उसमें भी और भी इसके बारे में कुछ बताया गया है, इम्पोर्टेंस के बारे में, कि एग्जिस्टिंग जो हैबिटेट होता है, अगर वो फ्रैगमेंटेड हो जाए, मतलब वो उनके जो हैबिटेट है वो ख़त्म हो जाए, तो कैप्टिव ब्रीडिंग की वजह से उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट की जा सकती है, उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ सकते हैं। और क्या होता है कि जो जेनेटिक मिक्सिंग की जो अपॉर्चुनिटी है, राइट, हम देखते हैं, तो जो जेनेटिक मिक्सिंग की अपॉर्चुनिटी के थ्रू उनकी जो पॉपुलेशन को बचाया जा सकता है। और व्हेन ए ग्रुप ऑफ बर्ड स्टेज इन वन एरिया ऑफ डिग्रेडेड हैबिटेट, मतलब वो क्या होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बर्ड्स को देखा गया वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहना पसंद करती है जहाँ पे रहना उनके लिए सेफ नहीं है, क्योंकि उनका बिहेवियर ऐसा होता है, ठीक है, बिहेवियरली वहाँ पे वो ट्रैप हो चुकी होती है। तो कैप्टिव ब्रीडिंग के थ्रू क्या होता है, उनकी जो इस बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है और उन्हें जा सकता है। और फिर और भी इसी तरह की बातें दी गई हुई हैं यहाँ पे, कि ब्रीडिंग के थ्रू हैंड उनके होल्डिंग के थ्रू उन्हें और उनमें नॉलेज एप्लीकेशन के, मतलब जो हमें नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके जो वहाँ पे इनकी जो स्पीसीज़ को हम बचा सकते हैं, राइट, ये स्पीसीज़ को सेव करने की में किस तरह से ये मदद करता है, उसी के ऊपर ये मतलब ये सब बातें कही गई हैं। और जब सिचुएशन ऐसा डिमांड करे, तो फिर से उन्हें रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है उनके नेचुरल हैबिटेट में, जब उनके लिए कंडीशंस फेवरेबल हो, ये मैंने बताया था आपको। तो कैप्टिव ब्रीडिंग किस किस की गई है, लायन, टेल्ड मैकाक, अब ये मैंने मैकाक के बारे में आपको एनिमल डाइवर्सिटी में भी इन सब के बारे में मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया था। तो अरिंगना जो जूलॉजिकल पार्क है चेन्नई में, वहाँ पे भी, और फिर मैसूर में भी ऐसे इस तरह से कैप्टिव ब्रीडिंग की गई थी। फिर अब आते हैं हम नेक्स्ट स्पीसीज में, डॉल्फिन्स। तो डॉल्फिन्स होते हैं वो एक्वेटिक इकोसिस्टम का एक पार्ट होते हैं, ठीक है, हमने इनके बारे में भी पहले काफ़ी बार पढ़ा है, तो इसके लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या किए गए वो इस चैप्टर में बताया गया। तो ये मोस्टली सी ब्रैकिश वाटर में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि पढ़ा हुआ है हमने। ये टोटल ऐसे 15 स्पीसीज़ हैं जो मराइन और हार्बर डॉल्फिन्स में पाए जाते हैं, जो इंडियन वाटर्स में पाए गए हैं, ठीक है। इरावडी डॉल्फिन्स भी ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं, जो कि उड़ीसा में मिलते हैं, ठीक है। और फिर बाद में जो फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स हैं,
राइट, उसमें से जो जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, जो गंगा के जो डॉल्फिन्स हैं वो गैंगिस रिवर में पाए जाते हैं, मतलब जो गंगा का जो पूरा जो रिवर सिस्टम है वहाँ पे पाए जाते हैं और उसके ट्रिब्यूटरीज में पाए जाते हैं। और उसके साथ ही इंडस रिवर डॉल्फिन्स हैं, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि इंडस रिवर पंजाब में पाए जाते हैं। फिर ऐसे कुछ फ्रेश फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर में मराइन डॉल्फिन्स भी पाए पाए जाते हैं, जिन्हें शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में रखा गया है और उनके हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दी गई है, क्योंकि इनकी हंटिंग होती है, उस हंटिंग से बचाने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई है। तो जो गैंगेटिक डॉल्फिन है उनके कुछ ऐसे 17 स्पीसीज़ हैं जिन्हें रिकवरी के लिए, मतलब रिकवरी प्रोग्राम ऑफ क्रिटिकल एंडेंजर स्पीसीज़ इस प्रोग्राम के तहत रखा गया है, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। और ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के अंडर आता है। फिर जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, NMCG, उसने भी डॉल्फिन कंजर्वेशन प्रोग्राम को इनिशिएट किया था 2016 में, इनके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए इन डॉल्फिन्स के। फिर आता है गैंजिस डॉल्फिन, ठीक है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर्स में, ठीक है। तो जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट है इसमें इन्वॉल्व है और उन्होंने इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिया हुआ है। ब्रह्मपुत्र में जो गैंगेस डॉल्फिन्स हैं पाए जाते हैं, मेघना भी हो गया, कर्णफुली, संगू रिवर जो कि नेपाल में, और इंडिया बांग्लादेश में भी ये पाए जाते हैं। तो गैंगेस डॉल्फिन है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, आसपास के बॉर्डरिंग कंट्रीज में भी ये पाए जाते हैं। और इंडस डॉल्फिन भी है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको याद भी रखना है इंडस के बारे में, तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो हम लोग अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है हरमंदिर साहब, वहाँ पे भी डॉल्फिन्स पाए जाते हैं और बहुत लोग उन डॉल्फिन्स को देखने के लिए जाते हैं, उन्हें प्रसाद खिलाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर अब आते हैं, ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि जो इनकी जो पॉपुलेशन है वो 2000 है और इन्हें शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में रखा गया है। उन एस कुछ ये जो गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं उनमें से भी ऐसे जो चार हैं जो कि फ्रेश वाटर में ही रहते हैं, ऑब्लिगेट फ्रेश वाटर, मतलब वो फ्रेश वाटर में ही रहते हैं, उसमें गैंगेटिक डॉल्फिन आता है। और फिर ऐसे तीन जो हैं, जैसे कि बाजी जो कि यांगसे रिवर चाइना में पाया जाता है, फिर बुलन जो कि इंडस पाकिस्तान में पाया जाता है, और अमेजोन रिवर्स में फोटो बोटो है, वो भी एक तरह का डॉल्फिन है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ऐसे चार स्पीसीज़ हैं, ये आपको याद रखना है। ऑल्दो ऐसे कुछ बहुत सारे स्पीसीज़ हैं, बहुत सारे मराइन डॉल्फिन्स हैं जो कि कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, राइट, और ऐसे चार हैं जो कि रिवर्स और लेक्स में भी पाए जाते हैं। जो चाइनीज़ रिवर डॉल्फिन है उसे डिक्लेयर किया गया था फंक्शनली एक्सटिंक्ट, मतलब पूरी तरह से विलुप्त हुआ, उसे डिक्लेयर कर दिया गया 2006 में इंटरनेशनल साइंटिस्ट थे। इंडिया में जो गैंजिस रिवर डॉल्फिन है वो थ्रेटन्ड है, उसे खतरा है। ऑब्वियसली किस किस चीज़ों से खतरा है, जो रिवर की पोल्यूशन हो रही है, रिवर वाटर पोल्यूशन से सिल्टेशन हो जाती है पोल्यूशन की वजह से, फिर फ्लड्स आते हैं, और फिर एक्सीडेंटल एंटैंगलमेंट जो फिशिंग के थ्रू, जो हमारे बैड प्रैक्टिसेस ऑफ फिशिंग है उसके थ्रू भी नेट में ये सब में फंस जाते हैं। पोचिंग होती है, इनके जो ऑयल निकलता है उसके लिए इन्हें मारा जाता है, पोचिंग की जाती है, उससे भी इसे काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और भी कुछ जो ऐसे बैरेजेस बनाए जाते हैं राइट रिवर में, उनके वजह से जो इनकी इन्हें जो घूमने फिरने में जो जगह होती है वो कम पड़ती है, इनकी मूवमेंट में असर पड़ता है। तो फिर इसके इंडिया में जो WWF फंड है और उत्तर प्रदेश ने मिलके एक प्रोग्राम बनाया था जिसने इसे जो ये रिवर डॉल्फिन्स हैं उनके रीइंट्रोडक्शन के लिए एक प्रोग्राम बनाया था। फिर गवर्नमेंट मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट द मेनेस ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंट्री इनटू ह्यूमन हैबिटेट। हम ये जानते हैं कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम उनकी जगह छीन रहे हैं तो इसलिए वो हमारी जगह में आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसे बचाने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कम करने के लिए क्या किया है, हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने कुछ, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स को अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, और आपको डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए। तो जो उन्होंने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स राइट, उन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट्स को मैंने बताया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कुछ तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सके अपने स्टेट्स में। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, जिससे कि जो फॉरेस्टेड एरियाज़ में, फॉरेस्टेड लैंड में इन्हें बचा के रखा जा सके, उन्हें वाटर अवेलेबिलिटी, उनके लिए फूड अवेलेबल कराया जा सके ताकि वो वहीं पर रहें, फॉरेस्ट में रहें, ह्यूमन हैबिटेशंस की तरफ ये ना आए और ह्यूमंस को ये खतरा ना पहुँचे, ना खुद खतरे में आए। फिर इस तरह के कुछ बैरियर्स लगाए जाते हैं, सोलर पावर, जो इलेक्ट्रिक फेंसेस बनाई जाती हैं ताकि ये ह्यूमन एरियाज़ में ना आ सके, और मेनली ये खेतों में आते हैं और वहाँ की फसलें भी ख़राब कर देते हैं,
फिर लोगों को भी इनसे काफ़ी ज़्यादा खतरा हो जाता है, वाइल्ड एनिमल्स अटैक से बचाया जा सके वहाँ के लोगों को, तो इसलिए सेंट्रल असिस्टेंस दी जाती है, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। फिर इसी तरह के नेचुरल जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें बनाया जा सके, और फिर कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लमेटिक जानवर इनकेस आ भी गए तो उन्हें ट्रैंकुलाइज किया जा सके, मतलब उन्हें बेहोश कर दिया जाए। इस तरह के ऐसे कुछ गन्स होते हैं जिनसे कि उन्हें छोड़ा जाता है और फिर उसे वो ट्रैंकुलाइज हो जाते हैं, जो एनिमल्स है वो बेहोश हो जाते हैं, तो उन्हें फिर बाद में जाके रेस्क्यू सेंटर्स में रिहैबिलिटेट किया जा सके। फिर बाद में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स होते हैं, राइट, इनके बारे इनकी इनका रोल क्या होता है वो मैंने अच्छी तरह से आपको पिछले चैप्टर्स में समझाया था, राइट, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स होते हैं उनके साथ मिलके ये जो प्रॉब्लमेटिक एनिमल्स को किस तरह से उन्हें उनके साथ डील किया जा सके वो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये सब बताया गया है। फिर ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं जिससे कि वहाँ के लोगों को बताया गया क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स ना कि मतलब इस तरह से क्या क्या कदम उठाने चाहिए, क्या क्या कदम नहीं उठाने चाहिए जिससे कि उनके भी जान को खतरा ना हो और वो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को भी खतरा ना हो। फिर इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो विलेजेस हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, लोकल कम्युनिटीज़ को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाया जा सके जिससे कि ये जो ह्यूमन एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो से बचा जा सके, और लोगों के भी कुछ जो ग्रीवेंसेस है कुछ उनकी भी जो कुछ दिक्कतें हैं प्रॉब्लम है क्योंकि उनके लाइवलीहुड काफ़ी डिपेंडेंट होता है इन एरियाज़ में, तो उस उन वो भी उनका भी ध्यान रखा जाए, उनके भी हितों की रक्षा की जाए। फिर इंडिया ने सावन SAWEN सावन सेवन जो भी है आप प्रोनाउंस कर सकते हैं वो अडाप्ट किया था, तो ये क्या है, स्टैच्यूट ऑफ द साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क, इसे इंडिया ने अडॉप्ट किया हुआ है, इसका एक फॉर्मल मेंबर है ताकि इसे एक बल मिल सके जो ये ट्रांस बाउंड्री वाइल्ड लाइफ क्राइम्स होते हैं थ्रू कम्युनिकेशन के थ्रू एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके, जो गवर्नमेंट्स आपस में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके कोलैबोरेट करके कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू यहाँ पे ये इसे मतलब किया जाए, तो ये जो रीजनल नेटवर्क है, ठीक है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है साउथ एशियन, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है, 8 कंट्रीज आती है, अफगानिस्तान एशिया की, साउथ एशिया के बांग्लादेश भूटान जो साउथ एशिया में आते हैं, राइट, नेपाल श्रीलंका, इनका क्या काम क्या है, स्ट्रॉन्ग रीजनल इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी को बनाया जाए, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाया जाए जो कि इन वाइल्ड लाइफ क्राइम्स को क्या कर सकें, उनसे लड़ सकें, कॉमन गोल होता है इनका, और इनका कॉमन गोल है और उसे ये जो इलीगल ट्रेड किया जाता है वाइल्ड लाइफ में उस रीजन में हो रहा है उसमें कंट्रोल कर सके, उसे बंद कर सके, ठीक है। तो इसके साथ ये चैप्टर थैंकफुली ख़त्म होता है, लंबा चैप्टर रहा, आई होप आप हमारे मेरे जो एफर्ट्स हैं उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और टेस्ट सीरीज़ विदाउट फेल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्काउंट्स ख़त्म होने वाले, थैंक यू सो मच।